हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंक ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेटा कंप्रेशन सीरीज का पार्ट 3 है और इसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इन डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स द करंट लेटर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स इस स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो डिस्क्रीट मेमोरी लेस, जिसमें मेमोरी का कोई लेना देना नहीं होता, डिस्क्रीट सोर्स में जो करंट लेटर है, जो उसका करंट लेटर है जो कि सोर्स से प्रोड्यूस करा गया है, वो स्टेटिस्टिकली किन पे इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी उन पे नहीं है। तो वो पास्ट आउटपुट पे भी, जो उसका पिछला आउटपुट है और उसका जो फ्यूचर आउटपुट आने वाला है, उसका उन दोनों से ही कोई खास लेना देना नहीं होता। तो इसका आंसर पास्ट आउटपुट और फ्यूचर आउटपुट दोनों है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच कोडिंग टर्मिनोलॉजी डील्स विद द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ असाइंड वर्ड्स। ठीक है, ऐसी कौन सी कोडिंग टर्मिनोलॉजी है जो कि डील करती है इनवर्स ऑपरेशन से, जो कि असाइन किए गए वर्ड्स उनको लेकर, ऑफ सेकेंड लैंग्वेज कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड्स इन द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो डिसाइफरिंग है। ठीक है, और आपने अगर इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है, इनसाइफरिंग डिसाइफरिंग, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर गया होगा कि इसका आंसर जो है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ असाइन वर्ड्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज कोरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड्स इन द फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो है वो डिसाइफरिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच बिट मैप फाइल फॉर्मेट सपोर्ट द रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग मेथड को कौन सी बिट मैप फाइल सपोर्ट करती है? तो सारी फाइलें सपोर्ट करती हैं। ये फॉर्मेट्स के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो TIFF, BMP, PCX सारे फॉर्मेट जो है वो रन लेंथ इनकोडिंग को सपोर्ट करते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो है, इन डिक्शनरी टेक्निक्स फॉर डेटा कॉम्पैक्शन विच अप्रोच ऑफ बिल्डिंग डिक्शनरी इज यूज्ड फॉर द प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स। तो आपको पता है, आपने स्टैटिक डिक्शनरी मेथड्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो स्टैटिक डिक्शनरी में बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अप्रोच जो यूज़ की जाती है डिक्शनरी के लिए, वो प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करके की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो स्टैटिक डिक्शनरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, विच टाइप ऑफ चैनल डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कोरिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिंबल्स। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो है यूजलेस चैनल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन चैनल कोडिंग थ्योरम चैनल कैपेसिटी डिसाइड्स द ब्लैंक परमिसिबल रेट एट विच एरर फ्री ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेट, ठीक है, तो इसका आंसर है मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू शैनन सेकंड थ्योरम इट इज नॉट फिजिबल टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर द चैनल विद ब्लैंक एरर प्रोबेबिलिटी ऑल दो बाई यूजिंग एनी कोडिंग टेक्निक। स्मॉल एरर प्रोबेबिलिटी होती है शैनन की सेकंड थ्योरम में, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम में अगर आप देखेंगे, तो इसका आंसर जो है वो स्मॉल है, ओवर द चैनल विद स्मॉल एरर प्रोबेबिलिटी ऑल दो बाई यूजिंग एनी कोडिंग टेक्निक। ओके, नेक्स्ट जो है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड इन विच कोड वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मैसेज बिट्स एंड पैरिटी बिट्स सेपरेटली। तो कौन सा कोडिंग टेक्निक है जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन है कोड वर्ड्स की, वो मैसेज बिट्स और पैरिटी बिट्स दोनों के लिए होती है? इसका जो आंसर है वो है सिस्टमैटिक कोड्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन अ लीनियर कोड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोड वर्ड्स इज मिनिमम वेट ऑफ एनी नॉन जीरो कोड वर्ड। तो जो इसका आंसर है वो है बिटवीन एनी टू कोड वर्ड्स इज इक्वल टू मिनिमम वेट ऑफ एनी नॉन जीरो कोड वर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इक्वल्स टू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉपर्टी द डैश ऑफ टू कोड वर्ड्स इन अ साइक्लिक कोड इज आल्सो अ वैलिड कोड वर्ड। तो इसका आंसर है द सम ऑफ टू कोड वर्ड्स इन अ साइक्लिक कोड इज आल्सो अ वैलिड कोड वर्ड। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीडिंग कोफिशियंट ऑफ ए मोनिक पॉलिनोमियल। तो कोफिशियंट की वैल्यू जो होती है वो आपको पता ही है, इसमें 1 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाइल डिकोडिंग द साइक्लिक कोड इफ द रिसीव्ड कोड वर्ड इज सिमिलर एज ट्रांसमिटेड। अगर जो साइक्लिक कोडिंग में डिकोडिंग के टाइम में अगर जो रिसीव हमें जो कोड रिसीव हुआ है वो सिमिलर है ट्रांसमिटेड कोड वर्ड के, तो RX mod GX किसके इक्वल होगा? वो उस टाइम जीरो के इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो जीरो है। नेक्स्ट जो है, एट एनी गिवन टाइम द आउटपुट ऑफ एन इनकोडर डिपेंड्स ऑन। ये ऑप्शन आपको, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता ही है, पास्ट इनपुट और प्रेजेंट इनपुट दोनों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है, द पार्टीशन इन विच द टैग रिसाइड्स डिपेंड ऑन द
तो इसका आंसर है फर्स्ट सिंबल. द पार्टीशन इन विच द टैग रिसाइड्स डिपेंड ऑन द फर्स्ट सिंबल ऑफ द सीक्वेंस बीइंग इनकोडेड. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. डिक्शनरी ऑर्डर इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर. ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर को समटाइम्स सिनोनिम या सिमिलर कहते हैं लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के. ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी इज अ गुड मे बी द ओरिजिनल एग्जाम्पल ऑफ लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग. तो इसका आंसर भी है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग. ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट व्हेन कंसिडरेबल प्रायर नॉलेज अबाउट द सोर्स. कुछ प्रायर नॉलेज पहले से होनी चाहिए. प्रायर नॉलेज का कंसेप्ट स्टैटिक डिक्शनरी टेक हम पहले पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि प्रायर नॉलेज अबाउट द सोर्स इज अवेलेबल. ओके नेक्स्ट जो है अ स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक दैट इज लेस स्पेसिफिक टू ए सिंगल एप्लीकेशन. ऐसी स्टैटिक डिक्शनरी टेक्निक जो कि लेस स्पेसिफिक है सिंगल एप्लीकेशन के, एक सिंगल एप्लीकेशन के बारे में ही बात नहीं कर रही है. तो उसका आंसर है डायग्राम कोडिंग. ओके नेक्स्ट जो है द डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द सोर्स. इसका आंसर है अल्फाबेट, सोर्स अल्फाबेट फॉलोड बाय एज मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स कॉल्ड डायग्राम. ठीक है, तो आंसर है अल्फाबेट. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं द डायग्राम इनकोडर रीड से. तो इसका आंसर है टू कैरेक्टर इनपुट. अगर आप इसको पूरा रीड करें तो डायग्राम जो डायग्राम कोडिंग में डायग्राम इनकोडर होता है रीड्स अ टू कैरेक्टर इनपुट. टू कैरेक्टर इनपुट एट अ टाइम रीड करता है एंड सर्चेस द डिक्शनरी टू सी इफ दिस इनपुट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. तो इसका आंसर है टू कैरेक्टर. ओके तो ऑप्शन में आपको इस तरीके से वन कैरेक्टर, टू कैरेक्टर, थ्री कैरेक्टर, इस तरीके से तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. द अप्रोच बेस्ड ऑन द 1977 पेपर आर सेट टू बिलोंग ऑन द LZ77 फैमिली. तो बेसिकली एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, इसके बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है पुराने टाइम से अभी तक के. तो LZ77, LZ78, तो इसका जो आंसर है वो LZ77 है. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं. LZ77 स्कीम इज अडेप्टिव स्कीम. तो ये अडेप्टिव टेक्निक्स हैं, तो ये अडेप्टिव स्कीम है, इसका आंसर है अडेप्टिव. ओके LZ78 इनपुट्स आर कोडेड एज ए डबल. इसके जो इनपुट्स होते हैं उन्हें डबल कोडेड करा जाता है. ओके नेक्स्ट जो है बेस्ट नोन एप्लीकेशंस ऑफ LZW. तो इसके जो बेस्ट नोन एप्लीकेशंस है एक तो GIF फाइल होती है और एक V.42 BIOS फाइल है और काफी सारी अलग अलग एप्लीकेशन है. तो आपको इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट जो है द बेस्ट नोन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम इज द PPM एल्गोरिथम. कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम की बात करें तो जो बेस्ट नोन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एल्गोरिथम है वो PPM एल्गोरिथम है. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द बेसिक एल्गोरिथम इनिशियली अटेम्प्ट्स टू यूज द लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है जो कोई भी बेसिक एल्गोरिथम होती है उसका इनिशियल अटेम्प्ट क्या होता है यूज द लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट. जो भी उसके पास कॉन्टेक्स्ट है उसमें से सबसे लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट कौन सा है. ओके नेक्स्ट जो है एन डैश इज इनकोडेड एंड द एल्गोरिथम अटेम्प्ट्स टू यूज द नेक्स्ट स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट. तो एस्केप सिंबल को ही इनकोड किया जाता है किसी भी एल्गोरिथम में सबसे पहले नेक्स्ट स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट के लिए. ठीक है नेक्स्ट जो है वन डैट इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा रिडंडेंसी. तो डेटा रिडंडेंसी अगर देखिए तो कोडिंग भी होती है, स्पाशियल भी है, टेम्परेबल भी है, पर ये कोई कोडिंग रिडंडेंसी नहीं है. ठीक है नेक्स्ट जो है डिजिटाइजिंग द इमेज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड. इमेज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को डिजिटाइजिंग अगर करें तो उसे क्या कहते हैं क्वांटाइजेशन. ठीक है नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड रेट ऑफ शोइंग फ्रेम्स इन अ वीडियो पर सेकंड आर 30. ठीक है स्टैंडर्ड रेट ऑफ शोइंग फ्रेम्स इन अ वीडियो पर सेकंड जो है वो है 30. ठीक है नेक्स्ट जो है रिड्यूसिंग द डेटा रिक्वायर्ड रेफर टू इमेज कंप्रेशन. तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है इमेज कंप्रेशन. नेक्स्ट जो है इमेज कंप्रेशन कंप्राइज्ड ऑफ. तो इनकोडर और डिकोडर दोनों को ये इसके मेथड में इसकी टेक्निक में दोनों ही कंप्राइज करते हैं इनकोडर भी और डिकोडर भी. डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट्स. पहले जो बात हुई थी वो हुई थी इमेज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड की, तो वो क्वांटाइजेशन है और अब बात हो रही है डिजिटाइजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, तो वो है सैम्पलिंग. ठीक है रिडंडेंसी ऑफ द डेटा कैन बी फाउंड यूजिंग फॉर्मूला. ये आपने देखा हुआ अलग अलग मेथड में अगर रिडंडेंसी फाइंड करनी है डेटा की तो उसका जो फॉर्मूला है 1-1/C है. ओके नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मिंग द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट पिक्सल इज कॉल्ड. अगर आपको ट्रांसफॉर्मिंग द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट मतलब बेसिकली एडजेसेंट पिक्सल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसका सीधा सीधा जो आंसर है उसे क्या कहते हैं मैपिंग. ठीक है उसे ट्रांसफॉर्म करना तो उसका आंसर है मैपिंग. नेक्स्ट जो है शेनन थ्योरम. शेनन थ्योरम को और क्या कहते हैं नॉइजलेस कोडिंग थ्योरम. ठीक है तो इसका आंसर है नॉइजलेस कोडिंग थ्योरम. नेक्स्ट जो है कोडिंग इज केपेबल ऑफ, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही परफॉर्म कर सकता है तो आंसर है बोथ ए एंड बी. ओके नेक्स्ट है द स्टोरेज और डैश रिसोर्स अवेलेबल टू अस मे बी सफिशियंट टू हैंडल अवर डेटा रिक्वायरमेंट्स आफ्टर लॉसलेस कंप्रेशन. तो ट्रांसमिशन रिसोर्स, तो इसका आंसर है द स्टोरेज और ट्रांसमिशन रिसोर्स अवेलेबल. ठीक है नेक्स्ट जो है वी कैन इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ डैश बाय एक्सेप्टिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कंप्रेशन. तो अमाउंट ऑफ कंप्रेशन
ठीक है, हम इंप्रूव कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, तो इसका आंसर है कंप्रेशन। नेक्स्ट जो है द रेट फॉर ए डिस्क्रीट सोर्स इज सिंपली द एंट्रोपी, तो ये सिंपली डेफिनेशन है इसकी, तो इसका आंसर है एंट्रोपी। नेक्स्ट जो है द चैनल ब्लॉक रिप्रेजेंट्स ऑल ट्रांसफॉर्मेशन द कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन अंडरगोज बिफोर द सोर्स इज रिकंस्ट्रक्टेड, तो इसका आंसर है कंप्रेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है टू पॉपुलर मेजर्स ऑफ डैश और डिफरेंस बिटवीन दी ओरिजिनल, तो आपको पता ही है डिफरेंस बिटवीन दी ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस को क्या कहते हैं, इसका आंसर है डिस्टॉर्शन। ओके, नेक्स्ट जो है अ नंबर ऑफ एवरेज मेजर्स आर यूज्ड टू समराइज दी इंफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन इन दी डिफरेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज पॉसिबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज विद अ मच स्मॉलर सेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन की एक डेफिनेशन भी है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज पॉसिबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज विद अ मच स्मॉलर सेट, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को स्मॉलर सेट से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अ सिंपल क्वांटाइजेशन स्कीम वुड बी टू रिप्रेजेंट ईच आउटपुट ऑफ द सोर्स विद द इंटीजर वैल्यू क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है, इंटीजर वैल्यू क्लोजेस्ट टू इट। ठीक है, नेक्स्ट जो है द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ ए क्वांटाइजर कैन बी स्केलर और वेक्टर, ठीक है, तो बात हो रही है द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द क्वांटाइजर कैन बी स्केलर और वेक्टर, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है द डिजाइन ऑफ द डैश हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, तो बात हो रही है द डिजाइन ऑफ द क्वांटाइजर हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, तो इसका आंसर है क्वांटाइजर। ओके, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वांटाइजर तो वो होता है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑल इंटरवल्स आर द सेम साइज इन द यूनिफॉर्म, जितने भी इंटरवल्स होते हैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में वो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, अ क्वांटाइजर डेट हैज नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल, जाहिर सी बात है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। ठीक है, नेक्स्ट है इनकोडर इज यूज्ड फॉर इमेज कंप्रेशन, ठीक है, इनकोडर का यूज क्या है, इमेज को कंप्रेस करना। नेक्स्ट है सेवरल क्वांटाइजेशन टेक्निक डेट ऑपरेट्स ऑन ब्लॉक ऑफ डेटा आर डिस्क्राइब, वी कैन व्यू दीज ब्लॉक्स एज वेक्टर्स। ठीक है, सेवरल क्वांटाइजेशन टेक्निक में जो ब्लॉक ऑफ डेटा होता है जो डिस्क्राइब किया जाता है तो उन ब्लॉक्स को सिंपली क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। इन वेक्टर क्वांटाइजेशन वी ग्रुप द सोर्स आउटपुट इनटू ब्लॉक्स और वेक्टर। ओके, तो इसका आंसर है ब्लॉक्स। नेक्स्ट जो है आवर इंटेंट हियर इज टू प्रोवाइड यू विद इनफ इन्फॉर्मेशन सो डेट यू कैन राइट योर ओन प्रोग्राम्स फॉर डिजाइन ऑफ वेक्टर, तो ये किसकी बात हो रही है, क्वांटाइजर कोड बुक्स की। ठीक है, तो इसका आंसर है क्वांटाइजर कोड बुक। नेक्स्ट जो है द सेट ऑफ क्वांटाइजर आउटपुट पॉइंट्स इज कॉल्ड द कोड बुक ऑफ द क्वांटाइजर, तो उसे कोड बुक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है इमेजिंग सिस्टम प्रोड्यूस्ड, इमेजिंग सिस्टम क्या प्रोड्यूस करती है, डिजिटाइज्ड इमेज, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटाइज्ड इमेज। ओके, नेक्स्ट जो है डिजिटल इमेजेस आर डिस्प्लेड एज ए डिस्क्रीट सेट, डिजिटल इमेजेस को डिस्क्रीट सेट की फॉर्म में डिस्प्ले किया था इफ इंटेंसिटीज, ठीक है, तो इसका आंसर है इंटेंसिटीज। ओके, नेक्स्ट जो है ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या क्या आया था, पिक्सल्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू, प्लीज सपोर्ट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, थैंक यू फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट अवर चैनल, ज्वाइन एंड फॉलो अस।